जाते हैं तो विद्या संकीर्ण पर सर्दी स्तर पर जाते हैं और यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु दो आपस में मिलते हैं, वहीं से क्रिया होती है। तो अंदर कौन जा रहा है? शुक्राणु जा रहा है, अंडाणु तो वहां पर पहले ही से उपस्थित है, तो जाए वो शुक्राणु जाएगा। और शुक्राणु जब जाते हैं या तो वो एक्स वाला जाएगा या बॉडी वाला जाएगा, इन दोनों में से एक ही तो जाएगा। और जब शुक्राणु अंडाणु को भेज रहा होगा अंदर, या तो वो एक्स वाला जा रहा होगा या वाला या फिर वाई वाला जा रहा होगा। अब मान लो कि एक केस लेते हैं कि एक्स वाला जाएगा, कौन सा क्या है एक्स वाला, ओवन का तो एक्स एक्स ही होता है। तो अब ये एक्स मान लो शुक्राणु कौन सा गया, शुक्राणु का जो पुरुष सूत्र है कौन सा गया, एक्स वाला गया। अब अंदर एक्स वाला गया, इधर भी एक्स है, तो ये एक्स एक्स मिलेंगे। ये जो पूरा ध्रुव बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, किसका बनेगा, एक्स एक्स। एक एक्स किसका होता है, मदर का होता है। यानी कि जो प्रेगनेंसी जो फॉर्म होगा, जो बेबी बॉर्न होगा वो कैसा होगा, पेट में जो बेबी बॉर्न होगा मतलब बेबी जो होगा पेट में कैसी होगी, मादा। इन केस मान लो कि दूसरा केस लेते हैं, अब अंदर शुक्राणु कौन सा जा रहा है, वाई वाला, कौन सा वाई वाला, अंदर क्या है एक्स है, तो क्या बन जाएगा एक्स वाई बनेगा, क्या बनेगा एक्स वाई। और एक्स वाई क्या कहलाता है, तो हमें ये नहीं पता होता है। यानी कि जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा शुक्राणु एक्स वाला अंदर जा रहा है कि वाई वाला अंदर जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 20 से 30 करोड़ शुक्राणु में एक ही शुक्राणु अंडाणु को भेद पाने में सक्षम होता है, एक ही भेद पा रहा है। जब एक ही भेद पा रहा है तो वो या तो एक्स वाला हो सकता है या वाई वाला हो सकता है। अगर एक्स वाला भेजेगा तो मादा होगी, और वाई वाला भेजेगा तो एक्स होगा, एक्स होगा वाई होगा तो नर होगा। अब किसी किसी को बार बार लड़की पैदा होगी, क्या हो रही है, बार बार लड़की पैदा होगी। तो बार बार लड़की पैदा हो रही है तो कौन सा केस हो सकता है कि बार बार उसके अंदर एक्स वाला क्रोमोसोम जा रहा है, यानी कि जो शुक्राणु अंडाणु को भेज रहा है तो कौन सा क्रोमोसोम लेके जा रहा है, एक्स वाला क्रोमोसोम लेके जा रहा है। तो एक्स वाला अंदर लाएगा तो एक्स और एक्स मिलकर क्या बनाएगा, मादा ही तो बनाएंगे। तो बार बार जब एक्स वाला ही जा रहा है तो मादा ही बनेगा। तो यहाँ चुनने की निर्धारण हो रहा है, इनमें किसका मेन रोल है, इनमें मेन रोल है मेल का, किसका है मेल का, फीमेल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। फीमेल का तो पहले ही से फिक्स है एक्स और एक्स, फीमेल का एक्स और एक्स पहले ही से फिक्स है। अंडाणु अंदर जा रहा है शुक्राणु, मेल का सारा चीज अंदर जा रहा है, अगर वो एक्स वाला लेकर जा रहा है तो क्या होगा, बार बार लड़की को पैदा होगी। हमारे समाज में जिनको दो लड़कियां तीन लड़कियां पैदा होती तो उनको गलत सलत बोला जाता है, उल्टा सीधा बोला जाता है। बट गाले से लोग की शादियाँ टूट जाती है, बट गलती किसकी है, गलती आप किसी की नहीं है, गलती यहाँ पर किसी की नहीं है। ये मतलब क्या है कि हम शिक्षित नहीं, क्या है हम शिक्षित नहीं है, क्योंकि जब हम शिक्षित रहेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर हमें नहीं पता होता है कि कौन सा गुणसूत्र अंदर जा रहा है और अंडाणु को भेद पा रहा है। एक्स वाला जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है लड़की पैदा होगी, वाई वाला जाएगा तो जाहिर सी बात है लड़का पैदा होगा। तो लड़का या लड़की पैदा होना टोटली ये कह दिया जाए कि मतलब फीमेल के ऊपर है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें अपने समाज से यही भ्रांतियाँ मिटानी है, हमें अपने समाज से यही मिटाना है। तो अपनी साइंटिफिकली ये प्रूफ है कि या लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, ये डिसाइड करता है मेल का पुरुषसूत्र। वो एक्स वाला लेके जाएगा तो लड़का पर लड़की पैदा होगी, वाई वाला लेके जाएगा तो लड़का। गालियाँ कौन खाती है, फीमेल खाती है। जा कौन लेकर जा रहा है, मेल जा रहा है, भैया बाबू लेके जा रहे हैं। तो अगर आपके समाज में सब कुछ आस पास नहीं पर हो रहा है तो आप लोग को समझाइए कि यहाँ पर लड़कियों की कोई गलती नहीं, फीमेल की कोई गलती नहीं। आप लोग को समझाइए, समाज को आप शिक्षित करिए, और आपके पढ़ने का ये मकसद भी है कि आप खुद शिक्षित रहें और दूसरों को शिक्षित करें और कोई भी गलत भ्रांतियों में ना पड़े। और इसके थ्रू हमें पता चल जाता है। अब और अगर